जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये बहुत ही खास वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे सीआरपीएफ में या एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो, खास अपडेट है। आप सभी को मैं बता दूँ, सीआरपीएफ में जैसे ज्वाइनिंग चल रहा है अभी, तो कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइनिंग कर लिए हैं, ज्वाइनिंग सेंटर जाके आ गए हैं किसी कारणवश, तो उनको जो अपडेट मिली उससे, और मैंने भी फिर पता किया, किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर ये चीज़ बताई जा रही है, तो फिर मैंने भी पता किया, तो वो बात सही है कि आपके जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसको ज्वाइंट अकाउंट के लिए जो बोला गया, आपको कईयों को पता चला कईयों को नहीं पता चला, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी दोस्त जो एस एस जी डी की ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो ज्वाइंट अकाउंट करा ले। अब ज्वाइंट अकाउंट किसके साथ कराना वो मैं बता दूँ, और कैसे कराना वो सभी, इसके बाद में एक और अपडेट है वो भी बताऊँगा। पहली जो बात है यह है कि आप ज्वाइंट अकाउंट करा लीजिए। अब किसके साथ कराएंगे? आप अपनी मदर के साथ करा सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट, फादर के साथ करा सकते हैं, हस्बैंड के साथ करा सकते हैं, वाइफ के साथ करा सकते हैं, ठीक है, किसी भाई बहन के साथ नहीं कराना ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो कि आप लड़का हो और आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी वाइफ के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट कराना। अगर आपकी शादी हो रखी है और आप लड़के हो तो आपको अपनी वाइफ के साथ ही कराना ज्वाइंट अकाउंट, फिर मदर के साथ नहीं कराना, ठीक है। और अगर आप लड़के हो, आपकी शादी नहीं हो रखी, तो आप मदर के साथ ज्वाइंट अकाउंट करा सकते हो, फादर के साथ ज्वाइंट अकाउंट करा सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट आपको कैसे कराना वो मैं आगे बताऊंगा, ज्वाइंट अकाउंट करा के जाना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लड़की हो और शादी हो गई तो आपको ज्वाइंट अकाउंट अपने हस्बैंड के साथ कराना, और शादी नहीं हुई है तो आप अपने मदर के साथ या फादर के साथ किसी के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट करा सकते हो। अब ज्वाइंट अकाउंट कैसे कराना है, ज्वाइंट अकाउंट कैसे होता है एसबीआई में, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जहां पर आपका जैसे बैंक अकाउंट ओपन किया है वहीं पे आप जिस इंसान के साथ ज्वाइंट अकाउंट करवाना चाहते हो उसका भी वहाँ पर सेविंग ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, फिर दोनों का अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए, फिर वो ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके फादर या मदर या आपके हस्बैंड या वाइफ उनका भी ज्वाइन जो अकाउंट है एसबीआई की शाखा में आपका अकाउंट है, उनका भी अकाउंट होना चाहिए उसी शाखा में, ठीक है। एसबीआई का उनका भी अकाउंट होना चाहिए, शाखा भले चेंज हो लेकिन एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, फिर वो अकाउंट आपके ज्वाइंट कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ज्वाइंट अकाउंट कराना है। ज्वाइंट अकाउंट हो क्या रहा है कि वैसे आपके, आप बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ज्वाइनिंग लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ ज्वाइंट अकाउंट का, तो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ, और मैं खुद भी आपको बोला था कि मतलब नहीं कराओगे तो भी मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइन अकाउंट आप करा लेना, ये नहीं इसका मतलब है कि आपको मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सही अपडेट भी है कि जैसे वो बच्चे जल्दी चले गए तो उनको भेजा भी है कि चलो आप ज्वाइंट अकाउंट करा लीजिए, ज्वाइंट अकाउंट करा के आइए। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है, फोर्स में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आपका किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे मेरा मेरी मदर के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, तो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर बंदा सेविंग अकाउंट है तो फिर बाद में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कभी इंसान को, तो उसका फिर पैसा निकालने के लिए, घर वालों को पैसा देने के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा पंगा होता है उसमें, ठीक है, कोई भी सुविधा देने के लिए बहुत ज़्यादा पंगा होता है। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में अनिवार्य कर दिया गया है ज्वाइंट अकाउंट फोर्सेस में, सभी फोर्सेस में ये बोला गया है, मतलब हर एक बंद, पहले क्या होता था कि ऐसे बोला जाता था कि शादी के बाद में आप ज्वाइंट अकाउंट करा लेना, जैसे हमारे साथ में भी यही हुआ था कि शादी के बाद में आप ज्वाइंट अकाउंट करा लेना, लेकिन अभी बीच में जब अपडेट आई तो हमको खुद को ही तुरंत ही अपडेट ज्वाइंट अकाउंट कराना पड़ा, मदर के साथ कराओ, फादर के साथ कराओ, किसी के साथ कराओ, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट कराओ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सभी फोर्सेस में यही चल रहा है कि ज्वाइंट अकाउंट आपको करवाना ही पड़ेगा, तो अब बाद में आपको वहाँ से भेजा जाए या नहीं भेजा जाए उसके बारे में नहीं है, या आपको फिर बाद में परेशानी आई, तो इससे अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ कि ज्वाइंट अकाउंट करा लेना, जिनकी शादी हुई हो वो वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, मदर के साथ में या फादर के साथ में, आप ज्वाइंट अकाउंट करा लेना, ज्वाइंट अकाउंट करा के जाना, ताकि आपके लिए सहूलियत रहेगी और ये अच्छी भी रहेगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर किसी कारणवश हमारा नहीं हो पा रहा, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। 10-5% अगर ऐसे लोग हैं कि जिनका मतलब मदर या फादर कोई किसी कारणवश उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा या कुछ और नहीं हो रहा, वो तो आपको कराना पड़ेगा, चाहे अभी करो चाहे ट्रेनिंग के बाद कराओ या ट्रेनिंग की छुट्टी में कराओ, आपको कराना है ज्वाइंट अकाउंट। ट्रेनिंग की छुट्टी में आपको फिर प्रेशर करेंगे कि आपको कराना ही करा के आना है, तो उससे अच्छा है कि अभी करवा लो, अभी आपके पास में समय भी है और अभी आप ज्वाइंट अकाउंट करा सकते हो। एक साथ में क्यों रहता है कि सर हमको बोला गया कि 15 तारीख तक ज्वाइन करना है, 14 तारीख तक ज्वाइन करना है या 20 तारीख तक ज्वाइन करना है, तो हम कब ज्वाइन करें? आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में जस्ट ही आज ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसमें लिखा हुआ है उस डेट से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ज्वाइनिंग सेंटर में जाके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप ये ज्वाइंट अकाउंट वाली बात ध्यान रखना। अब दूसरी जो बात है वो ये, काफ़ी दिनों से मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारा जो मूल निवास, जो जाति प्रमाण पत्र है या जो जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है, तो सर क्या वो नया बनाना है या मेडिकल वाला चल जाएगा या मूल निवास नया बनाना है,
क्या करें सर? तो देखो मूल निवासी तो आप सभी को पता है वैलिडिटी 3 साल की समथिंग होती है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी इतनी नहीं होती है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी इतनी नहीं होती, उसकी समथिंग 1 साल के अराउंड ही होती है। तो जिनका पुराना हो गया है, जिनको लगता है कि हो जाएगा, तो उसमें जो नया बना सकता है वो नया बना लेना, ताकि आपको फिर परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, नया बना के लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी मतलब बंदे हैं जिनका 12 मंथ से ज़्यादा हो गया उसको, तो वो नया बना लेना। वो मेडिकल के हिसाब से नहीं देखना कि मेडिकल के समय इसको कर दिया था तो वापस वही, तो वो नहीं देखना। दूसरा, एक जो CISF में जैसे अभी कहीं के वो लेटर आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड से संबंधित, कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं आए, उनके मतलब फादर का सरनेम में उनमें प्रॉब्लम है, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि आपके जो आए हैं वो डाक से आता है, उसको आपको सही करा के अपना मूल निवास वो और 10th क्लास की मार्कशीट लगा के फिर वापस डाक से भेज देना है। तो उसमें ज़्यादा चिंतित नहीं करना, आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन रहते हैं CRPF में सब किस तरह हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारे पास वालों की ज्वाइनिंग आ गई है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, इसका क्या रीज़न है? तो मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, फिर मेरे से बार बार ये क्वेश्चन आता है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ग्रुप सेंटरों में अभी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं CRPF के, ठीक है, और ग्रुप सेंटर में आपको जो ज्वाइनिंग देता है वो डिपेंड करता है IG सर पे। तो जो IG सर होते हैं वहाँ के, वो डिपेंड करते हैं कि उनके ग्रुप सेंटर में किस हिसाब से सहूलियत है अभी प्रेजेंट टाइम में, उनके पास में जगह है या नहीं है, या क्या उनके मतलब उस सेंटर की मतलब देख रेख चल रही, कहाँ पर उनको एडजस्ट कर पाएंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो वो अपनी सहूलियत से ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे। तो उसके लिए चिंता ना करें कि मेरा गाँव वाला क्या आ गया, मेरा नहीं आ गया, आपका भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि वो मैं बोला ना ग्रुप सेंटर के अंडर में ये सारी की सारी ज्वाइनिंग होती है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। तो ये मेन चीज़ है, एक तो ज्वाइंट अकाउंट आप जितने नहीं करवाया ज्वाइंट अकाउंट करा लीजिए, अभी आपके पास में समय है, ज्वाइंट अकाउंट करा के जाना। अब कुछ लोग मेरे कमेंट बोलेंगे सर कराना अनिवार्य है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ अनिवार्य नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपका करा लेना काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे वो जल्दी चले गए, उन बच्चों को वापस भी भेजा कि पहले तुम ज्वाइंट अकाउंट करवा के आ जाओ, क्योंकि वो जल्दी चले गए थे 15 तारीख से पहले, शायद बाद में आपको वापस ना भेजे 15 तारीख बाद में, लेकिन करा लेना अच्छा है। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक वो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हो, बोल रहे जनरल वाले का सर्टिफिकेट नहीं बना, तो नहीं, जो आरक्षण लिया उसको वो सर्टिफिकेट आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ में वो अभी उनकी जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेडिकल के लिए लेके भी मैं बोल रखा हूँ कई बार, फिर भी मेरे पास में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेडिकल को लेके कि सर मेडिकल कैसा होगा, किस प्रकार मेडिकल में वापस अनफिट नहीं तो नहीं कर देंगे ऐसा कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ मेडिकल के लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो, इस प्रकार की कोई मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली या इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मेडिकल आप मतलब सभी हो जाओगे पास, उसमें कोई बड़ी मतलब आपको सर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वो कोई बड़ी बीमारी वाला होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, बाकी तो आपको आप सभी फिट हैं। चाहे रिमेडिकल वाले का तो मेडिकल हो नहीं रहा, ज्वाइनिंग लेटर जो रिमेडिकल वाला आ रहा है जिसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में या जून जुलाई में इनका जिनका हुआ था, उनको वापस लिखा हुआ ही नहीं आ रहा कि आपका मेडिकल होगा, क्योंकि उनका मेडिकल हो चुका है रिमेडिकल, तो उनका मेडिकल नहीं होगा। जिनका मेडिकल फिट है तो वैसे भी फिट है, तो उस समय जो फिट हुए वो अभी भी फिट हुए, और उस लेवल का मेडिकल होगा भी नहीं, तो उसकी आप चिंता ना करें। उस समय जो फिट थे वो अभी भी फिट है और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात है इसका विशेष ध्यान रखना आप सभी दोस्तों को, ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।